हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बेटा, और आज हम डिस्कस चैप्टर नंबर 3, और आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। इज दैट क्लियर? प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे, और फर्स्ट जो लेक्चर था, इन दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट सम जनरल टर्म्स। आज हम बात करेंगे सबसे प्रिमिटिव फॉर्म जो प्लांट्स की मानी जाती है, दैट इज एल्गी। ओके, देखिए एल्गी में हम एक एक फीचर्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, एल्गी की बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी इसकी जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं थैलस या थैलोइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जनरली आपको पता है प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं, बट इन दैट वी कैन नॉट We cannot differentiate between root, stem and leaves। Okay बेटा, इस तरह से thallus like structure होता है इसका, in that way। Understand? Thallus like structure होता है, आपने देखा भी होगा स्पायरो वगैरह, या जो आपकी ग्रीन एल्गी है उसको आपने देखा होगा, जहाँ पे पानी कंटिन्यू वाटर फ्लो करता है वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। ओके, दूसरी जो बात है, देखिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तीसरी बात है, इनका जो साइज है वो वेरिएबल है। जैसे सार्गेसम है, काफ़ी ज़्यादा साइज के भी हो सकते हैं, फ्यूकस वगैरह यूलोथ्रिक्स हैं, यूनिट साइज से लेके काफ़ी ज़्यादा साइज के हो सकते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ओके, इसके अलावा देखिए इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल भी है। ओके, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात आ जाती है, अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको पता ही, ऑटोट्रॉप्स हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं बाय जूस स्पोर्स, ठीक है बेटा, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी शो करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे? फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है बेटा। और बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, और इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यानी मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, अगर मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर साइज के हैं तब तो हम बोलेंगे आइसोगैमस टाइप, ठीक है। ये स्पायरोगैरा में होता है बेटा। अगर डी सिमिलर साइज के हैं तो इनको हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास में होता है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है बेटा। और वन मोर इज देयर, ऊगैमस। इसमें देखिए वन जो गैमेट होता है, मेल गैमेट, वो नॉन मोटाइल होता है, लार्जर होता है, फीमेल गैमेट मोटाइल और स्मॉलर होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऊगैमस टाइप। ये यूलोथ्रिक्स में होता है, इन विच यूलोथ्रिक्स। इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एल्गी को जनरली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं देखिए, तो फर्स्ट है क्लोरोफायसी, सेकेंड है फियोफायसी, एंड थर्ड वन इज रोडोफायसी, ठीक है बेटा। क्लोरोफायसी, फियोफायसी एंड रोडोफायसी। क्लोरोफायसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं एल्गी में, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, जस्ट इसके जो पॉइंट्स है वही आपको लर्न करने हैं जो कुछ दिया हुआ है। तो देखिए क्लोरोफायसी क्या होती है? ग्रीन एल्गी है। फियोफायसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, और रोडोफायसी को बोलते हैं रेड एल्गी। ये जो नेम है, ये इनमें जो प्रेजेंट पिगमेंट है उसी के बेसिस पे है, ठीक है। क्लोरोफायसी में क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, फियोफायसी में क्लोरोफिल ए एंड सी,
और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी। तो आई होप आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट में ए एंड बी, सेकंड में बी की जगह सी और थर्ड में बी की जगह सी की जगह डी। ओके, एक और चीज आपको याद रखनी है, इसमें जो पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, आई होप एवरीथिंग शुड बी विजिबल ऑन ब्लैक बोर्ड। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फियोफाइसी में जो है, सॉरी बेटा मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, वेट ए मिनट। ठीक है, ओके चले। अभी देखिए बेटा, जो क्लोरोफाइसी है उसमें तो हमने देखा कि क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, फियोफाइसी इसमें होता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड सी प्लस इसमें होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, क्लियर है। और इसके अलावा बेटा जो रोडोफाइसी है आपकी, इसमें आपका होता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड डी प्लस इसमें होता है फाइकोइरिथ्रिन। ओके बेटा, फाइकोइरिथ्रिन, तो इसको ध्यान रखना आपको, फाइकोइरिथ्रिन नाम का इसमें एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड कलर की होती है। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं। अगर हम बात करें इनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन की, तो इसमें सेलुलोज से सेल वॉल बनी होती है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ एल्जीन नामक सब्सटेंस भी होता है। ओके, और इसमें सेम है सेलुलोज, इसको काइटिन या लिग्निन भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है स्टोर्ड फूड, फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है बेटा, तो जो ब्राउन एल्गी है इसमें मैनीटोल या लैमिनरीन की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, मैनीटोल या लैमिनरीन। ओके, रोडोफाइस की बात करें तो इसमें जो फूड है वो फ्लोरोडिन स्टार्च, फ्लोरोडिन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसमें सिंपल स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ओके बेटा, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास फीचर्स हैं नहीं, आपको जो फीचर्स हैं स्पेशली याद रखने हैं, सबसे प्रीमिटिव फॉर्म एल्गी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है, एल्गी जो है वो ग्रुप में भी रह सकती है, मे बी वोल्वॉक्स और मे बी सिंगल भी रह सकती है, इज दैट क्लियर। उसके अलावा ऑटोट्रॉफिक है बिकॉज क्लोरोफिल ए होता है, और आप ध्यान रखें अप्रोक्सीमेटली 50% जो फोटोसिंथेसिस करने का काम है वो एल्गी करती है, यानी रिच सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, और एल्गी की प्रेजेंस की वजह से वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जैसे रोडोफाइसी की बात करें, ग्रेसिल एरिया और जेलेडियम, उनके जो मटेरियल होता है उनसे हम आइसक्रीम जेली वगैरह भी बनाते हैं, अगार अगार जो जेल है वो भी एल्गी से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से एल्गी, कुछ एल्गीज ईटेबल भी होती हैं। ओके, हाँ, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो आपको मेनली याद करना है वो ये तीन एल्गी हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं और फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज है वो आपको याद रखना है। ओके बेटा, और साथ में आपको इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी याद रखने। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे एल्गी के, डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, उनको प्रॉपरली देखना है, ड्रॉ करना है। ओके, हैव ए गुड डे।